अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सफ़िया, आप देख रहे हैं किचन विद सफ़िया। तो हाजिर हुई हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाऊँगी आलू की तरकारी। आलू की तरकारी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। और अगर आपको कचौरियों की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तरकारी बनाने के लिए मैं जो चीज़ें चाहिए, दो अदद मैंने ये आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, एक टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, कलवंजी है इसके अंदर दो चुटकी डालूंगी, ये धनिया पाउडर है इसमें ये हाफ टी स्पून डालूंगी, पपरिका पाउडर है हाफ टी स्पून डालूंगी, नमक हसबे जायका डालूंगी, हल्दी है हाफ टी स्पून डालूंगी, ये एक टी स्पून डालूंगी, ज़ीरा ऑयल डालूंगी दो से तीन टेबल स्पून। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये आलूओं को इस तरह से मैश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इनको मैश कर लिया आलूओं को हमने। चलिए एक अदद हमने पैन ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे दो से तीन टेबल स्पून, थोड़ा सा ही हमने डाला इसके अंदर, ये डाल दिया। इसके बाद मसाले हमने बता दिए हैं, पपरिका पाउडर है, ज़ीरा है, हल्दी है। अच्छा जी, ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा भूनेंगे। ये हमने डाल दिया इसमें हल्का सा इसका भुना। उसके बाद हम ये आलू इसमें शामिल कर देंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बराबर वाले बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। चलिए हल्का सा इसे भूनेंगे। उसके बाद इसमें, सॉरी एक चीज़ मैं भूल गई थी आपको बताना, ये इसके अंदर मैं अचार का मसाला डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं अचार का ये मसाला डाल रही हूँ, ये मेरे पास है दो टेबल स्पून, ये इसके अंदर मैंने अचार का मसाला से बहुत ही ज़्यादा मज़े का जायका आ जाता है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी थोड़ा सा। पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, आधा गिलास तकरीबन मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे और फिर उतार लेंगे। अब इसे हलवा पूरी के साथ, जैसे मतलब पूरियों के साथ खाएं, कचौरी के साथ, बहुत ही मज़े का ये तरकारी बनती है आलू की, बहुत ही जमी। अच्छा, इसके साथ अगर आपको कचौरियाँ खानी हैं तो कचौरियाँ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाएं और देखें। ये हमारा मसाला, ये हमारा आलू की तरकारी तैयार हो चुकी है। मैंने इसके अंदर अचार का घर का मसाला डाला है, बहुत ही मज़े का है। आप चाहें तो बाज़ार से जो अचार मिलता है उसका भी मसाला डाल सकते हैं। तैयार हो गया हमारा। चलो जी, अब चूल्हा बंद कर देते हैं, अब इसे डिश आउट करते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है कचौरियों का। आलू की तरकारी हमारी तैयार हो चुकी है। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।